संघ की बैठक की, इसका क्या उद्देश्य है? कि राज्य कर्मचारी महासंघ का जो आज सम्मेलन हो रहा है, इसमें हम राज्य कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री सर्विस एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ का चुनाव कराएंगे और इसके साथ साथ आंदोलनों का निर्णय लेंगे। आज सरकार की जो नीतियाँ हैं पूरी तरीके से कर्मचारियों की नीतियाँ होती हैं, विभागों को तोड़ा जा रहा है, तमाम विभागों को बेचा जा रहा है, आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पर लाखों युवाओं का शोषण हो रहा है, उन्हें 8,000-6,000 में रखा जा रहा है। हम कहते हैं नियमित नीतियाँ लीजिए सरकार की, तमाम नीतियों का। अगर मेरे पिता का जन्मदिन आप पूछेंगे मैं कैसे बता पाऊंगा, मैं अपनी माँ की जन्मदिन कैसे बता पाऊंगा? अगर वो जीवित हैं तो अपने पिता की जन्मदिन कैसे बताएंगे, अपने माँ की जन्मदिन कैसे बताएंगे, जब स्थान कैसे बताएंगे, ये कैसे संभव है? ये तो आपका कर्मचारी महासंघ जो है उसके लिए कुछ कर रहा है? नहीं, हम इसका बिल्कुल आज भी विरोध कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो इस वक्त यहाँ घंटाघर में और दिल्ली में इस तरह से हो रहा है उसका आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? हम सीधी सी बात है कि हम किसी अन्य आंदोलनों में हम कूद नहीं सकते हैं, हमारी एक बाधाएं हैं, लेकिन हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि ये विवाद अनावश्यक पैदा किए गए हैं, सरकार को इन्हें वापस। कब चुनाव कराने का है कर्मचारी संघ का? 4 बजे।